हेलो एवरीवन, मैं हूँ सावन ज्ञानचंदानी फिट सिंधी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 7 योगा पोजेस जो आपकी नेक पेन को बिल्कुल रिलीफ कर देगा। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि नेक पेन होता क्यों है। नेक पेन डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे स्टिफनेस, कोई मसल, नेक का मसल स्टिफ हो गया है, या आपको कोई कंडीशन है जैसे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस नेक में, सर्वाइकल स्पाइन में, और अगर कोई ट्रॉमा है, कोई इंजरी है आपको, तो जो इंजरी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या अर्थराइटिस में या कोई नर्व कंप्रेशन में आपको पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि कोई भी योगा पोजेस में जंप करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है इन कंडीशंस में, सिर्फ ये स्पेसिफिक कंडीशंस में। क्यों मैं ये आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कोई भी योगा पोजिस का आपको बेनिफिट लेना है, ना कि वो योगा से आपको और अपनी दिक्कतें बढ़ा देनी है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी योगा पोजिस से पहले आपको सलाह लेनी है डॉक्टर की, फिर आपको ये योगा पोजिस परफॉर्म करने हैं। और जो नॉर्मल कंडीशंस है, जिसमें नॉर्मल जो हम कंप्यूटर पे बहुत बैठ जाते हैं या हम मोबाइल पूरा दिन चेक करते रहते हैं, उस वजह से मसल ओवर यूज हो जाता है और नेक में स्टिफनेस बढ़ जाती है, उन कंडीशंस में आप थोड़ा योगा पोजिस का बेनिफिट पहले ही ले सकते हैं बिना डॉक्टर के कंसर्न के। फिर भी मैं सलाह दूंगा कि पहले एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लें और समझें अपनी प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो आइए हम सीखते हैं हमारे योगा पोजेस। मेक श्योर कि आप एंड तक इस वीडियो को देखें और सारे योगा पोजेस का बेनिफिट लें। फर्स्ट आसन है मार्जरी आसना और कैट कैमल पोज। इस पोज के लिए हमें डॉग पोजीशन में बैठना है और अपने हैंड्स को शोल्डर विड्थ ओपन करना है। फिर हमें अपनी स्पाइन को एक कर्व पोजीशन में लेके जाना है, जिसको हम कैट पोज भी बोलते हैं। देन हमें अपनी स्पाइन को एक डॉम शेप में बेंड करना है, जिसको हम कैमल पोज भी बोलते हैं। जब हम कैट पोजीशन में जा रहे हैं, तब हमें ब्रीद इन करना है, और जब हम कैमल पोजीशन में जा रहे हैं, तब हमें ब्रीद आउट करना है। इस आसन में आपको ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब हम कैट पोजीशन में जा रहे हैं, तब हमें ब्रीद इन करना है और हमारी स्पाइन बिल्कुल कर्व रहेगी, चेस्ट अप रहेगी और फेस अपवर्ड रहेगा। और जब हम कैमल पोजीशन में जा रहे हैं, तब हमारा फेस डाउन रहेगा, स्पाइन डॉम शेप में बेंड रहेगी। उसे हमें धीरे धीरे परफॉर्म करना है। और कैट पोजीशन में ब्रीद इन एंड कैमल पोजीशन में ब्रीद आउट। इस आसन को आप बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है जो आपकी नेक को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। हमारा नेक्स्ट आसन है बाल आसना और चाइल्ड पोज। इस आसन के लिए हमें पहले वज्रासन में बैठ जाना है और हमारी नेक को सपोर्ट देने के लिए हमें मुट्ठियों को आगे रखना है। फिर धीरे से हमें अपनी गर्दन झुकानी है और आपको अपनी गर्दन को रेस्ट पोजीशन में रख देना है, और आपको इस पोजीशन में ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, जिससे आपकी नेक अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। इससे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा हमारी नेक को इस आसन में। नेक्स्ट आसन है हमारा शशांक आसना। शशांक आसन के लिए हमें वज्रासन से अपनी नीज को आउटवर्ड पॉइंट करना है और अपने हैंड्स को आगे लाकर शोल्डर विड्थ अपार्ट ब्रीद इन करके आगे लेके जाना है, एंड ब्रीद आउट करके हमें अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करना है, जिससे हमारी नेक एंड स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो पाए, जैसे आप इस वीडियो में ये देख पा रहे हैं। और हमें हिप्स को भी ऊपर की तरफ पॉइंट करना है, ताकि हमारी नेक को अच्छे से स्ट्रेच मिल पाए, और इस पोजीशन में हमें अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। फिर आपको धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेके आना है और धीरे धीरे
वज्रासन में वापस आ जाना है। नेक्स्ट आसन है हमारा उत्तान सुषोष्ना आसना। इस आसन के लिए हमें वज्रासन से डॉग पोजीशन में आ जाना है, फिर ब्रीद इन करके हमें धीरे से अपने हाथों को बेंड करना है, फिर ब्रीद आउट करके हमें हमारी पूरी स्पाइन एंड नेक को स्ट्रेच देना है। इस पोजीशन में हमें अभी नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और कोशिश करना है हम अपने हिप्स को ऊपर की तरफ फेंके ताकि हमारी स्पाइन और नेक को अच्छे से स्ट्रेच मिल पाए। जिस तरह आप यह आसन वीडियो में देख पा रहे हैं आपको सेम उसी तरह ही परफॉर्म करना है। अब आपको धीरे से अपने हाथों को पीछे लेकर आना है और वापस वज्रासन में आ जाना है। सो नेक्स्ट आसन है हमारा अधोमुख श्वान आसना। इस आसन के लिए हमें पहले डॉग पोजीशन में आ जाना है, शोल्डर विड्थ हमारे हाथ को खोलकर ब्रीद इन करके हमें अपने हाथों को आगे लेके जाना है, फिर ब्रीद आउट करके हमें अपने हिप्स को ऊपर लेके जाना है, नीज हमारे बेंड ही रहने चाहिए, फिर हमें शोल्डर्स को प्रेस करके नेक को अंदर लेके जाना है। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी नेक को प्रेस कर सकते हैं, ज्यादा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज मत ट्राई करिए और आपको इस पोजीशन को होल्ड रखना है, फिर स्लोली आपको वज्रासन में वापस आ जाना है। तो नेक्स्ट आसन है हमारा प्रसारित पद्मोत्तासना। इस आसन के लिए हमें पहले माउंटेन पोजीशन में आ जाना है, फिर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके धीरे धीरे अपनी कमर को झुकाना है, फिर अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपनी नेक को स्ट्रेच देना है। नेक्स्ट आसन है मत्स्य आसना। इस आसन के लिए हमें अलाइनमेंट पोजीशन में आ जाना है, अपने हाथों को हिप्स के पीछे लेकर जाना है और ब्रीद इन करके अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, देन ब्रीद आउट करके नेक को स्ट्रेच करके नीचे रखना है अपने हेड को और हमें हमारी नेक को स्ट्रेच देना है और इसी पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड रखना है। धीरे से अपनी नेक को वापस लेकर आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झूलेलाल।